चल कौन रहा है मुझे ये बताया, पूरे पाकिस्तान पे इस वक्त तो काफिर ही चला रहे हैं हमारा मुल्क। अच्छा कौन चला रहा है? ये तो हुक्मरान तो नहीं चला रहे। अच्छा जो आईमैक्स चला रहे, यही चीजें चला रहे, हमारा बेड़ा गर्क यही कर रहे। जो इसमें फिर गलतियां हमारी अपनी है ना, कि हमने अपनी गलतियां खुद की जिसकी वजह से ये हालत हुई। भाई जान जब आप दीन के पास नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप के पास नहीं जाएंगे, रब से नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसी बात ही चलेगी ना। सही बात है। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का या इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। जिस जगह पे आज पाकिस्तान है, इधर भी हिंदुओं का राज था, ठीक है ना, हिंदू बनी है, इन्होंने दबा के रखा हुआ था मुसलमानों को। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान दिया और एक बेहतरीन लीडर थे कायदे आजम, ठीक है ना, उनकी सोच थी जिस बुनियाद पे उन्होंने ये क्या नाम है कदम उठाया कि कांग्रेस से अलग की। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ होते और हम इस आजादी से रह रहे होते। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस बात का अप्रूवल दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2.5 एकड़ लैंड खरीद दी जाएगी 16 करोड़ INR जिस पर लागत आएगी, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक टूरिज्म रिजॉर्ट बनाया जाएगा, भवन टूरिज्म रिजॉर्ट बनाया जाएगा ऑफिशियल्स के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। और जो मेरा मोहम्मद के बेड़े में नहीं ना बैठेगा, उसका कलमा नहीं ना लेके चलेगा, उसके झंडे के नीचे नहीं ना खड़ा होगा जब तक, तो मुसलमान मार ही खाते रहेंगे, तो यही खाते रहेंगे। और जब खुदाई एटम बम बन जाओगे, मेरे मोहम्मद मुस्तफा का एटम बम बन जाओगे, तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। जम्मू कश्मीर तो अभी आप भूल जाएं, आई थिंक, क्योंकि जिस तरह से रीसेंट पॉलिसीज चल रही हैं मोदी साहब की और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज उनको लेके चलती रही हैं, दैट्स अ फार क्राई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपनी आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो अब आप खुद सोचें कि जहाँ पे हम पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सक रहे, हम लोग जो है गुड गवर्नेंस नहीं कर सक रहे, हमारे से जो है वो चीज़ों की प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम लोग ये बेसिक चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमने जो है वो जम्मू कश्मीर क्या लेना है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई महाराष्ट्र पहला देश का ऐसा राज्य बना है जो कि कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने जा रहा है, 2.5 एकड़ जमीन खरीदेगा 8.16 करोड़ रुपए की, जहां पर अपना टूरिस्ट और राजभवन बनाएगा। उसके बाद जब ये बात भाई पाकिस्तान जाती है, तो आप लोगों को पता भाई वहां से क्या निकल के आएगा, कमेंट में जरूर लिखे भाई क्या निकलता है पाकिस्तानियों का। वीडियो शुरू करते हैं। हमने बहुत उनकी मदद की है, हम उनके समाजी और सफारती तरीके से हम उनकी मदद कर रहे हैं, कश्मीरियों की। कश्मीर हमारा टूटा अंग है, हमें पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमारा हिस्सा है। किस हक से कहते हैं? वो हमारे मुसलमान भाई हैं, इसलिए मुसलमान भाई तो पूरी दुनिया में है, वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे बॉर्डर के साथ लकीर है, हमारा वो हिस्सा है। कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर वाले भी कहते हैं वो हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तानी बनेंगे। अच्छा, कब कहते हैं? वो तो भारत का झंडा लहरा रहे हैं वहाँ। भारत का झंडा नहीं लहरा रहे, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं और जालबान वो पाकिस्तान में ऐसा क्या देख रहे हैं जो हमारे झंडे लहराएंगे, उनको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये बताए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान में मुसलमान हैं, उनके भाई हैं, वो उनकी सफारती और हर तरह से हम मदद करते हैं, वो करेंगे। मदद की अभी तक हमने बहुत मदद की है उनकी, जो जलजले में भी उनकी मदद की है कश्मीरी भाइयों की। मदद नहीं की सर, कुछ भी नहीं गया यहाँ से, और वैसे भी उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है। अगर आप बात करते हैं मुसलमान की, हम मुसलमान कंट्री है, तो फिर अगर मुसलमानों को देखने तो कश्मीर तो फिर सऊदीया को चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर मक्का मदीना भी है। पाकिस्तान में उनको ऐसा क्या दिख रहा है? पाकिस्तान तो आज़ादी से घूमेंगे, पाकिस्तान में हाथ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, सारे काम करेंगे, उधर तो उनके साथ जुल्म हो रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? कसम। उनको गाय भी नहीं जबा करने देते, उनको गोश्त नहीं खाने देते, उनके साथ सारे जुल्म होते हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर मस्जिदें हैं, लाउड स्पीकर्स भी हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, अजाने भी हैं वहाँ पर, हमें किसने कहा कि वहाँ पर वो नमाज नहीं पढ़ते? वो छुपकर करते हैं सारा कुछ, उनको आज़ादी नहीं है। आपको आजादी है? हमें आजादी है, हर तरह की आजादी है, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, गाय का ज़िबा करते हैं, हर काम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कौन है ये लोग? पाकिस्तान। कहां से आते हैं? नॉन मुस्लिम कंट्री में जाएंगे, बाहर जाएंगे, आप उनके मजहब के खिलाफ कोई बात करेंगे या कुछ भी करेंगे, आपको वो जिंदा वापस आने देंगे? तो मजहब के खिलाफ तो बात करनी नहीं चाहिए ना, हमें अपने अपने मजहब है, हमारा मजहब है, हम अपने मजहब की तोहिन नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, अपने मजहब की तोहिन नहीं करनी, मैंने कब बोला है? क्या करता ना, देखे ना, अब आपने गाय की बात की है, आपको पता है कि वो गाय को क्या समझते, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर कुर्बानी होती है, वहाँ पर कुर्बानी तो होती है, लेकिन वो छुप के करते हैं ना, उनको आजादा ना करनी चाहिए, मुसलमान है, उनका राइट है, उनको राइट करना चाहिए, सारे राइट्स उनको वहाँ पर हासिल है, आप कुर्बानी को इशू ना बनाए, वहाँ पर सारे राइट्स हासिल है, बीफ एक्सपोर्टर बन गया है। उनको जो गुंडागर्दी करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं मुसलमानों को, क्या मस्जिदों में बम ब्लास्ट नहीं होते? बाद में ब्लास्ट होते हैं, ये उनकी तंजीमें हैं ना, उनके तंजीमें नहीं है यहाँ, उनकी तंजीमें आगे ये बम ब्लास्ट किया मुसलमानों ने, तो नहीं कश्मीर के लिए बाद में आवाज़ उठाएगा, पहले जाके फलस्तीन के अंदर, इसराइल के अंदर जाकर जहाद करके आए। जहाद हर एक बंदे का फर्ज़ है, आप भी फर्ज़ है, आप भी जहाद करें ना, बड़ा हम करती मैं जहाद करूं, आप भी जहाद करो ना, आप भी जहाद है, आपका भी जहाद फर्ज़ है, कैसे करूं जहाद? जगह पर जहाद फर्ज़ है, कैसे करूं जहाद? मुंह के साथ जहाद करो, अगर हाथ के साथ जहाद, सच बोलना भी जहाद है, मैं सच बोल रही हूं खड़ी होकर। अभी क्या सच बोल रही हैं आप? मैंने कोई झूठ बोला तो आप बता दें। सच इसका ये मतलब है कि आप जो ना उसकी मदद करें, तो लोगों का ज़हन बनाएं, मदद करो, वालों की मदद करें, इसराइल की बात करें। ओ भाई,
टॉपिक ही कश्मीर था, आप कह रहे इसराइल फलस्तीन, आपने कश्मीर पे बात की, अगर आपको मुसलमानों के लिए इतना जज्बा तो जाए फिर फलस्तीन के अंदर, कश्मीर पे बाद में बात कर लेंगे। हर बंदा जाता नहीं है, उसके तरीकाकार होता है जाने का, जहाद करने का भी एक तरीकाकार है, हर बंदे को एक हक हासिल नहीं है वो उठ के चला जाए, हर बंदे को तरीकाकार से जाना पड़ता है। तो तरीका है एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम का, मुस्लिम का हमारे मुल्क का एक तरीकाकार है, हमने किस तरह जाना है, इस तरह तो नहीं जाना, तरीके से जाते हैं, तरीके से जाते हैं, तो अभी तक गए नहीं, चला जाए तरीके से, गए जाके मर जाए, मरना को तरीका है, गए नहीं फिर, तरीके से गए नहीं, याद हो गया होता है कि उसके ऊपर जो ना आप काबज हो जाए बंदे के ऊपर, ये नहीं इस तरह जहाद नहीं होता है कि जाना आप जो ना उसके जाके मर जाए, मरने का थोड़ा है, मैंने मरने का नहीं कहा, हाँ हुए नहीं काबिज, फिर आप होंगे होंगे ना, कब होंगे मुसलमान जाएंगे उनकी मदद करेंगे, ये जो हमारी सोच है, सऊदीया कहता है कि हमारे भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए वो आगे बढ़ा है, दुबई कहता है हमारे भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए वो आगे बढ़ा है, हम क्यों नहीं, हम एक ही चीज पे तुले हुए, हम क्यों नहीं जो है उनके पॉजिटिव पॉइंट्स देखते कि वो डेवलपमेंट कितनी कर रहे हैं, कौन डेवलपमेंट कर रहा है, भारत भारत कर रहा है, इसराइल पे बात नहीं कर रही, भारत तो वो पॉजिटिव कर रहा है, तो उनका अपना मुल्क है ना, वो अपना कश्मीर के अंदर बात कर रही, कश्मीर के अंदर उनका वो अपने मुल्क के अंदर रहकर अपना काम कर रहे हैं ना, तो उधर जो जहाद फलस्तीन जो तंजीमें वो भी काम कर रही है, बात बताएगा हम कश्मीर पे बड़ी आवाज उठाते हैं, आजाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, आजाद कश्मीर पे भी तो मुसलमान बसते हैं ना, मुसलमान बसते हैं ना, उनके लिए क्या किया, उनको तो गैस नहीं मिलती, उनके पास तो गैस का नामो निशानी है, वो लकड़ियां जलाते हैं आज भी, तो वो बॉर्डर के उस पार है ना, उस पार नहीं, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, हमारे पास जो है कश्मीर, इस हिस्से में जो ना कितने लोगों को गैस मिल जा रहा है, जो नामो निशान फिर भी है ना यहाँ पर, वहाँ पर सारा कुछ है, उसको छोड़ दे, वहाँ पर सारा कुछ है, आपने क्या देखा उनके घर तक पानी गया हुआ है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी देखिए भाई पाकिस्तान, जहां पर आप लोगों ने सुबह की वीडियो मेरी देखी होगी, पाकिस्तान के अंदर भाई खाने के क्या लाले पड़े हुए हैं, पेट भरने पर भाई मर रहे हैं, रमजान के अंदर डबल महंगाई कर दिया है, जो भाई अभी जो पाकिस्तानी ये वीडियो में बोल रहा था ये जाहिल कि जिहाद कर देंगे, ये कर देंगे, अरे भाई अपने पाकिस्तान में कभी खाने के लिए तो निकलो, अपनी सरकारों को बोलो, फिर भाई वही बात आ जाती है, जैसे हमारे मेजर गौरव आर्या सर बोलते हैं ना भाई पाकिस्तानियों को खो चुकी आदत, यानी कि जहां पर वो इतना महंगाई से जूझ रहे हैं, उनको पता है भाई तुम्हारी सरकार खुद IMF से लोन लेने की किस्त अभी मांगने की पास होगी, तीसरी किस्त आने वाली है, उसकी उसमें बैठे हैं वो, तो भाई इनको क्या देंगे, और भाई जो बंदा आप देखिए व्रत रहेगा ना एक दिन, जैसे व्रती आम शिव जी का किसी का, तो आप लोगों के दिमाग में रहेगा भाई व्रत है, दिन में कुछ नहीं खाना है, ऐसे ही भाई पाकिस्तान को है, जब उनका पाकिस्तान में जन्म होता है तो उनको ये पता लग जाता है भाई तुम पाकिस्तानी हो, एक समय की रोटी खानी पड़ेगी, दूसरे समय की मिलेगी या नहीं मिलेगी, या भाई ऊपर वाला जानता है, पाकिस्तानी भी नहीं जानते, बट दिमाग में जरूर डाल दिया जाता है भाई कश्मीर भारत के मुसलमानों पर जाती है, कश्मीर को लेना है, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, ये है भाई एक्चुअल हकीकत पाकिस्तान की। अभी देख लिए भाई वहां पर जो गाजा और इसराइल का युद्ध चला हुआ है, भाई रुकना चाहिए, मासूम गाजा का हो या फिर भाई इसराइल का हो, मासूम अगर कोई मर रहा है वहां पर तो भाई साहब बहुत गलत है, हम तो भाई इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि भाई ये युद्ध हो या चले, बट देखिए इसराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों में एक अकेला यहूदी है और उनके भाई उसका यही कहना है इसराइल का आज तक, भाई हम पहले छेड़ते नहीं बाद में हम छोड़ते नहीं, तो यही उसी चीज के लिए वहां पर इसी चीज का युद्ध है जो चला हुआ है, बाकी देखिए भाई आगे क्या होता है, भगवान से प्रार्थना करें भाई वो जल्द से जल्द खत्म हो और वहां पर जो मासूम भूखे मर रहे हैं उनको कुछ मिले, आप लोग क्या कहते हैं, जय जवाहर जय श्री राम।